थाने कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत चौहान ने किया जितेंद्र अवाड़ के समर्थन का ऐलान, कहा इंडिया अलायंस के लिए काम करेगी कांग्रेस। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं चल रही है, काफी बातें चल रही है कि ठाणे की और कलवा मुमरा की सभी मिला के जो भी 4 से 5 सीटें हैं, इनमें से एक भी सीट कांग्रेस को इंडिया अलायंस में या महाविकास आघाड़ी में नहीं दी गई, जिसको लेकर ठाणे शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत चौहान नाराज बताए जा रहे थे और उन्होंने आदेश दिया था कि कांग्रेस काम नहीं करेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के तुतारी वाले जितेंद्र अवाड़ का। लेकिन अब कांग्रेस ने अपनी भूमिका बदली है। इसी बदलती हुई भूमिका को लेकर 1 नवंबर शुक्रवार रात 9 बजे कौसा कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितेंद्र अवाड़ के समर्थन का ऐलान किया गया। इस मौके पर प्रेस वार्ता में क्या कहा शहर जिला अध्यक्ष विक्रांत चौहान ने, सुनिए। विक्रांत सर, कांग्रेस के कार्यालय पे आज आपने पत्रकारों को बुलाया, क्या कारण था बुलाने का, क्या कहना चाहोगे? देखिए 149 विधानसभा के इलेक्शंस 20 तारीख को है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से माननीय जितेंद्र जी अवाड़ इनको एनसीपी ने टिकट दी है और उनका काम करने का जो शुभारंभ है उसके लिए हमने 5 तारीख को डायमंड हॉल में मीटिंग रखी है। उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया। लास्ट टाइम मेरी पर्सनली भी आपसे बात हुई थी, उसके बाद एक शॉकिंग न्यूज आई कि इंडिया अलायंस को या महाविकास आघाड़ी का जो यहाँ कैंडिडेट है उसको आप सब सपोर्ट नहीं करेंगे। आपके कार्यकर्ताओं का जो है ये स्टेटमेंट था। आपके एक कार्यकर्ता है यासीन मोमिन करके उनका नाम है, उसने एक ट्वीट भी किया था कि विक्रांत चौहान सर का आदेश है कि जितेंद्र अवार्ड को समर्थन नहीं देंगे और उनका कोई भी काम नहीं करेंगे, बायकॉट करेंगे जितेंद्र अवार्ड को, तो उसको लेकर मैसेज वायरल हुआ था सर। व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था। हाँ, उसमें लिखा था बायकॉट। एक मिनट, अगर उन्होंने कहा है जितेंद्र अवार्ड को मदद नहीं करना है, ट्वीट किया, बायकॉट भी लिखा था उसमें, बायकॉट भी लिखा था, मेरा आदेश था, पार्टी का आदेश। सुनिए मेरी बात, इसका रीजन ये है कि हम लोग में कुछ मन मुटाव था। हमारे पार्टी ने यहाँ पे 4 जो सीट्स है महानगर पालिका में, एक भी कांग्रेस को नहीं ली, इसलिए हमने डिसाइड किया था पूरे कांग्रेस जनों ने मीटिंग लेके कि एक भी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार का काम नहीं करेंगे। डिसीजन थाना कांग्रेस का था या महाराष्ट्र कांग्रेस का था? नहीं, थाना कांग्रेस का। महाराष्ट्र कांग्रेस हमको क्यों बोलेगी मत काम करो करके? तो आप लोगों में मतलब कि बराबर नहीं, ये तालमेल नहीं, तालमेल की कमी है। तालमेल की क्यों कमी है? तालमेल की बराबर है, हाईकमान एक फैसला करता है। हमने हाईकमान को खुद बोल दिया था कि कोंकण में अगर एक भी सीट कांग्रेस को नहीं ले रहे, जैसे लोकसभा की नहीं ली, वैसे अगर नहीं ले रहे तो कोंकण के पूरे लोगों ने इसके बारे में एक ये बनाया था कि भाई हम इसमें महाविकास आघाड़ी का, इंडिया अलायंस के कोई भी इसमें, इंडिया अलायंस के बाकी के सहयोगियों की गलती नहीं है, ये हमारे पार्टी की में किधर तो भी खमियां है कमांड की, कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर कोंकण में यहाँ पे सीट नहीं मिलती एक भी, और विधानसभा में एक भी सीट मिलती, तो एक प्रकार का यही है ना, अपमान ही है ना, इसलिए लास्ट में जाकर भिवंडी में सीट मिली। बोलिए, विधानसभा चुनाव में जितेंद्र अवाड़ शरद पवार गुट से खड़े हुए, तो आप उनको पूरी तरीके से समर्थन दोगे आपकी पार्टी? देखिए, जितेंद्र अवाड़ ये शरद पवार गुट के नहीं है, जितेंद्र अवाड़ ये इंडिया अलायंस के भी है और इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी है, विरोधी पक्ष नेता देश के, बरोबर है? इंडिया अलायंस ने मिलकर उनको अपोजिशन लीडर बनाया, तो जितेंद्र अवाड़ ये इंडिया अलायंस के है। हमारे जहाँ लोग खड़े हैं वहाँ पे इंडिया अलायंस के लोग हमारे कैंडिडेट को मदद कर रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको मदद करें। 5 तारीख की मीटिंग के बारे में आपने कहा है, तो ये कब होगी और कहाँ पर होगी? डायमंड हॉल में होगी। कितनी तारीख को? 6 से 10, 6 बजे से 10 बजे तक। सारी पार्टी रह गई या कांग्रेस ही? न्योता दे रहे, जितनी इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं उनके जितने लीडर्स हैं, लीडर्स है उनको हमने बुलाया, ये प्योरली कांग्रेस का ये रहेगा, इंडिया अलायंस के साथ में ये मीटिंग रहेगी? नहीं, ये हमारी कांग्रेस की मीटिंग रहेगी, सिर्फ कांग्रेस की, कलवा मुमरा कौसा विधानसभा की। अच्छा, ये सिर्फ मीटिंग रहेगी, उसमें हम लोग वहाँ पे
सबको इकट्ठा करके आगे ये 5 तारीख के बाद 17-20 तारीख तक कैसे काम करना है उसके बारे में हम उसमें मार्गदर्शन करेंगे। आपको भी नहीं होता है वह,